अलीगढ़ थाना गांधीपुर इलाके में बाईपास हाईवे के कनियावाली मोड़ पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार भाई बहन को रौंद दिया। भीतर भिड़ंत में भाई बहन सहित कार सवार महिला की भी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं कार चालक को हिरासत में ले लिया है। गांधीपारा थाना क्षेत्र के गांव गनियावाली निवासी पीतंबर सिंह का पुत्र शैलेंद्र अपनी छोटी बहन रानी को गवाना इलाके में रहने वाली अपनी बहन के घर से लेकर अपने गांव आ रहा था। जैसे ही वह हाईवे पर अपने गांव के मोड़ पर पहुंचा तो पीछे से दिल्ली की ओर से तेज रफ्तार से आ रही इंडिगो कार ने बाइक को रौंद दिया। भीषण दुर्घटना में बाइक सवार बहन भाई सहित कार सवार महिला की भी मौत हो गई। मृतक रानी का अगले माह विवाह होना था। ये गवाना अपनी बहन के यहाँ गया था, वहीं पे ये लड़की थी, उसे लेने गया था। वहाँ से आकर के यहाँ हाईवे पे और कार वाले ने एक्सीडेंट मार दिया जो, और अगले 20 तारीख की जो है 20 दिन बाद को शादी लड़की की, वही बाइक ही जो शादी में देनी, और दोनों बहन भाई दोनों जो है वहीं तुरंत ही खत्म है। क्या कहते हैं जो है मौके पे ही। थाना गांधीपारा क्षेत्र में सिंधौली के निकट हाईवे पर कार और बाइक की भिड़ंत हुई है। थाना गंगीरी के गांव हसनपुर निवासी कार सवार नंद किशोर अपनी पत्नी शकुंतला के साथ दिल्ली से आ रहे थे। गांव सिंधौली के निकट कार ने बाइक सवार भाई बहन को रौंद दिया, जिसमें भाई बहन सहित कार सवार महिला की भी मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी चालक नंद किशोर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आज सुबह हाईवे पे एक गंभीर एक्सीडेंट में एक मोटरसाइकिल और इंडिका कार में टक्कर हुई। मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों की और कार में सवार एक महिला की, कुल दो महिलाओं की और एक पुरुष की दुखद मृत्यु हो गई है। इसमें बॉडी का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम वगैरह की कार्यवाही कराई जा रही है और जो भी तहरीर आएगी उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत करके जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। अभी पूछताछ की जा रही है प्रकरण की, क्योंकि मोटरसाइकिल सवार भी दो व्यक्तियों की डेथ हुई है और कार सवार भी एक व्यक्ति की डेथ हुई है। इसमें जानकारी की जा रही है कि दोषी कौन है और उसी के अनुरूप कार्यवाही। अलीगढ़ से इस खबर की कवरेज के लिए प्रकाश सिंह, एबी लाइव न्यूज़, अलीगढ़।